कहते हैं कि मरते वक्त किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती है, लेकिन किसी को शराब यानी पौवा, दारू, क्वार्टर, किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हो, ये शराब अगर किसी शराबी को ना मिले, मतलब उसके मुंह तक आए और गले के नीचे ना उतरे, तो ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। उस बंदे की आत्मा जीते जी तड़पते रहती है, जैसे पानी के अंदर से मछली को निकाल दो वो तड़पने लगती है, वैसे किसी शराबी को अगर शराब ना मिले तो वो तड़पने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल है शबाना आजमी का, यानी जावेद अख्तर की बीवी और फरहान अख्तर की मम्मी। शराब इनके न हाथ आया न इनके मुंह लगा, ऊपर से धोखाधड़ी की शिकार हो। कल रात अचानक इन्हें शराब पीने का मन हुआ, इन्होंने फ्रिज खोला तो देखा उसमें शराब तो पड़ी नहीं है, तो शबाना आजमी ने शराब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर वो धोखे के शिकार हो गई। पैसे तो इन्होंने दे दिए लेकिन शराब इनके घर तक पहुंची ही नहीं। अब ये जो दुर्घटना हो गई उसी बात को लेकर शबाना आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, हंगामा करने लगी, कहने लगी मेरे साथ धोखा हो गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो, मेरे पेमेंट करने के बाद भी कल मुहार शराब लेकर मेरे घर तक नहीं आया। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर दी कि इन धोखेबाजों को पकड़ कर लाओ, क्योंकि मेरी शराब पीने की इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है। अब इसी बात पर शबाना आदमी ट्रोल हो रही है। किसी ने लिखा कि सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि आप शराब पीती है। किसी ने ये लिखा कि ये हो क्या रहा है इस देश में, क्या आप कोई मोहतरमा दारू मंगवा कर पी भी नहीं सकती है, हद हो गई असहिष्णुता की, अब ये देश रहने लायक नहीं रहा, मैडम को कोई दारू भिजवा दो यार। अब लोग जावेद अख्तर का पुराना ट्वीट तक उठा कर लाए जिसमें जावेद अख्तर ने लिखा था लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे, किसी भी मामले में सभी सर्वेक्षणों के अनुसार आजकल घरेलू हिंसा काफी हद तक बढ़ गई है, वहीं शराब बच्चों और औरतों के लिए इन दिनों और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। अब इस पर लोग बोल रहे हैं कि लगता है लॉकडाउन के दौरान जावेद चिचा की बहुत ही तबीयत से कुटाई हो रही है। किसी ने लिखा कैसे आदमी हो जावेद भाई, चाची को एक शराब तक नहीं पिला सकते। किसी ने लिखा ये सब मोदी जी की चाल है, वो चाहते ही नहीं कि ये लोग खुश रह सके।